गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार सभी को। तो आप सभी का स्वागत है पिनेकल पे। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप यहाँ पे कह सकते हैं, उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है कि पिनेकल की जो 1 रुपये योजना है उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है। और इस योजना में आपको RRB के कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, CGL के कोर्सेज। सिर्फ डेली आपको 1 रुपये पे करके आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। आपने देखा होगा कोचिंग से कितनी हाई फीस होती है, तो ये जो बच्चे ज़्यादा कॉस्टली कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, आई थिंक उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगला देखो, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट कि बिहू इज फेस्टिवल दैट इज ऑब्जर्व्ड इन। बिहू नामक त्यौहार भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? आंसर कीजिए, भारत के कौन से राज्य में बिहू नामक त्यौहार मनाया जाता है? इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब है असम। असम के अंदर एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है बिहू, जो मनाया जाता है। ये इसकी आप फोटो देखिए, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं किस प्रकार का ये फेस्टिवल है। मेल और फीमेल दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हार्वेस्ट सीजन के अराउंड ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो देन टोटल यूटिलिटी इज, कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता कितनी होगी। मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है कि आपने किसी वस्तु खरीदी, कोई चीज़ आपने खरीदी, उससे आपको कितने सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कितने संतुष्ट हैं आप उसको खरीद के, तो वो कहलाती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी उस केस में, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा, इंक्रीजिंग, या आप कह सकते हो सॉरी मैक्सिमम, इंक्रीजिंग नहीं मैक्सिमम। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, मैक्सिमम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सेल्फ रिलायंस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था। तो कुछ 5 ईयर्स प्लान इंट्रोड्यूस करे थे सरकार ने 1950 के अंदर। 5 ईयर प्लान्स होते क्या हैं? 5 ईयर प्लान होते हैं कि सरकार की आने वाले 5 सालों के अंदर क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या सरकार शुरू करना चाहती है, क्या प्लान उन्होंने बेसिकली बनाया है। तो वो सरकार की 5 वर्षीय योजनाओं के अंदर आते हैं। तो पहली 5 वर्षीय योजना शुरू गई थी 1950 से, उसके बाद से हर 5 5 वर्ष में शुरू होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि, और इन सभी के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, साल हर 5 साल के बाद उद्देश्य जो है चेंज हो जाता है कि अब हमें ग्रोथ बढ़ानी है, अभी हमें गरीबी को खत्म करना है, इस प्रकार से इनके कुछ उद्देश्य होते हैं। तो आत्मनिर्भरता जिस प्लान का उद्देश्य था उस प्लान का नाम है 6th प्लान। ये प्लान जो है एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। वैसे तो आप इतने सारे प्लान्स नहीं याद रख सकते, आई नो, लेकिन जो 6th प्लान है ये एग्जाम में काफी बार आता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर एक चीज और थी, रिमूवल ऑफ पुअर्टी, गरीबी हटाओ का नारा भी इसी प्लान के अंदर दिया गया था, और आत्मनिर्भरता, ये दोनों चीज कही गई थी 6th प्लान के अंदर, 6th 5 ईयर प्लान। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है यहाँ पे। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम? थर्ड टीयर सिस्टम, तीसरा टीयर सिस्टम कौन सा होता है? पंचायती राज सिस्टम। एक केंद्र होता है, फिर राज्य सरकार आती है, और तीसरे नंबर पे, तीसरे लेवल पे आता है पंचायती राज, ठीक है। इसकी जो संवैधानिक दर्जा इसको जो दिया गया था वो दिया गया था 1991 के अंदर, ये आप देखिए, सॉरी 1993 के अंदर, और कौन से एक्ट के थ्रू ये देख सकते हैं आप, 73 एक्ट के अमेंडमेंट एक्ट हुआ था संविधान में, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज सिस्टम को। आंसर होगा हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सही आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहाँ सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को शुरू किया गया था। देखो, पंचायती राज सिस्टम कोई, अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो पंचायती राज सिस्टम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो पंचायत होती है विलेज लेवल पे, गांव के लेवल पे, वही सिस्टम है पंचायती राज सिस्टम। सबसे पहले ये शुरू किया गया था नागौर जिले के अंदर, और नागौर जिला कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान पहला ऐसा राज्य है भारत का जिसने पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था। राजस्थान के बाद जिस राज्य ने अपनाया था वो है आंध्र प्रदेश। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय, रूट प्रेशर मूल दाब को किसकी सहायता से मापा जाता है? आंसर कीजिए, किसकी सहायता से मापा जाता है? इसके लिए सही आंसर क्या होगा आप सभी का? इसके लिए राइट आंसर होगा, रूट प्रेशर को मापा जाता है किसकी सहायता से? ऑक्सीनोमीटर की सहायता से। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, ऑक्सीनोमीटर की सहायता से इसको मापा जाता है। ऑप्शंस में देख लेते हैं,
प्रेशर को, यहाँ पे सिंपल प्रेशर की बात करें तो वो मापा जाता है बैरोमीटर से। एटमोमीटर की बात करें तो रेट ऑफ एवोपरेशन होता है, ठीक है, वाष्पीकरण, उसकी दर को मापने के लिए यूज किया जाता है एटमोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है, कोई भी फोर्स लगाई जाती है, फोर्स बाय फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड तरल पदार्थ के द्वारा जो प्रेशर फोर्स लगाई जाती है, बल, उसको मापने के लिए यूज करते हैं मैनोमीटर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोल इन इंडिया इज यूज्ड इन, भारत में कोयले की अधिकतम राशि का कहाँ प्रयोग किया जाता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोल इन इंडिया इज यूज्ड इन, कौन से सेक्टर के अंदर यूज किया जाता है? राशि वर्ड इज नॉट करेक्ट हियर। तो कोयले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिस क्षेत्र के अंदर किया जाता है वो है ऊर्जा, ऊर्जा रिसोर्सेज, सॉरी ऊर्जा संसाधनों के अंदर, या एनर्जी रिसोर्सेज आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, एनर्जी रिसोर्सेज के फील्ड में सबसे ज्यादा कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आंसर होगा झारखंड, झारखंड के अंदर सबसे अधिक उत्पादन होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर बताना है। आपने मिशन मंगल मूवी आई थिंक जरूर देखी होगी, काफी अच्छी मूवी, नहीं देखी हो तो आपको एक बार देखनी चाहिए। उसके अंदर इसरो का हेडक्वार्टर भी दिखाया गया है, तो वो है बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, बेंगलोर जो है वहां पे स्थित है इसरो का हेडक्वार्टर, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक और एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है सतीश धवन, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है श्रीहरिकोटा के अंदर, और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, आंध्र के अंदर। विच मूवमेंट गॉट द सपोर्ट बोथ फ्रॉम हिंदूज एंड मुस्लिम्स, कौन से आंदोलन आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला था? इस आंदोलन का नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन शुरू होता है 1920 से 1922 के बीच, ठीक है। इसी बीच में एक और आंदोलन होता है 1924, 1920 से 24 के बीच में, जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। 1920 से शुरू होता है एक आंदोलन खिलाफत, खिलाफत आंदोलन जो है वो भारतीय मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया था। किस लिए? क्योंकि वो चाहते थे जो ओटोमन एम्पायर के जो चीफ हैं, ओटोमन एम्पायर के जो चीफ हैं उनको इस्लाम का हेड बनाया जाए, कि खलीफ ऑफ इस्लाम बनाया जाए, ठीक है, ये वो चाहते थे। इस वजह से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था ताकि अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया जा सके, ठीक है। जो टर्की के जो खलीफ थे वो चाहते थे उनको हेड बनाना, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है इस चीज के लिए मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने जो है आंदोलन शुरू किया मुस्लिम्स ने, खिलाफत आंदोलन। उसी बीच में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो इस आंदोलन के अंदर जो है मुसलमानों ने भी पार्टिसिपेट किया, क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर हम हिंदुओं का साथ देंगे तो ब्रिटिशर्स के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा सकेगा, फिर वो उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। इस वजह से उन्होंने हिंदुओं का साथ दिया था, और यह आंदोलन था जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में क्या था कि ब्रिटिशर्स के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनके अंदर कोई भी हिंदू, सॉरी जो भारतीय व्यक्ति है वो कार्य नहीं करेगा। एक तरीके से हम उनको असहयोग देंगे, उनकी जितनी भी चीजें हैं उनका बॉयकॉट कर देंगे, खादी का इस्तेमाल करेंगे, खादी अपनाएंगे। इस प्रकार से आंदोलन चला था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। एक तो इम्पोर्टेंट बात, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, इसी के अराउंड एक उन्होंने नमक सत्याग्रह भी किया था, नमक सत्याग्रह कह सकते हैं आप, या दांडी मार्च भी कह सकते हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने ये आंदोलन जो है वापिस ले लिया था, क्यों? इसके पीछे रीजन था चोरा चोरी हत्याकांड। चोरा चोरी एक जगह है जो यूपी के गोरखपुर जिले के अंदर है, वहां पे लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था क्रांतिकारियों ने, और गांधी जी जो है वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, तो उन्होंने अपना जो है असहयोग आंदोलन है वो वापिस ले लिया था, ठीक है। ये कुछ ये जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं वो डिस्कस किए हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 के अंदर। चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 के अंदर। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में आने के बाद, जो उन्होंने चलाया था। चंपारण जगह कहाँ पे है? बिहार के अंदर है। वहां पे किसानों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा उन्हें फोर्स किया जा रहा था अफीम की खेती करने के लिए।
और एंटी पार्टीशन मूवमेंट मतलब जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर, उसको बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। टेलनेट इज अ, टेलनेट इनमें से क्या है, ब्राउजर है, गेटवे है या एक प्रोटोकॉल है? टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल, ऑप्शन भी आपको याद रखना है। वेयर इज द वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंक, दैट इज मेराइना ट्रेंक लोकेटेड, दुनिया का सबसे गहरा, आपसे पूछा गया है कि मरियाना गर्त कहाँ पे स्थित है, ये मैप के अंदर देखिए और इसका आंसर आप खुद कीजिए। मैं ये देख सकते हैं आप मेराइना ट्रेंक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जापान के जस्ट नीचे की तरफ इसकी पोजीशन, और ये पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से, ये जो है सबसे गहरा पॉइंट है पैसिफिक ओशन के अंदर। आप इस तरीके से समझिए कि सबसे गहरा पॉइंट, सबसे ज़्यादा गहराई है मरियाना ट्रेंक की। इसमें से बहुत सारे ज्वालामुखी भी होते हैं इस एरियाज में, फ्लड आते हैं, सुनामीज आती हैं, ये कहाँ पे स्थित है? पैसिफिक ओशन के अंदर स्थित है। व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन इन इंडिया, भारत में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो भारत में सबसे सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है जो मिलिट्री की फील्ड में दिया जाता है, उसका नाम है परमवीर चक्र, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। परमवीर चक्र दिया जाता है सेना के हाईएस्ट अवार्ड के रूप में, और भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो सबसे पहले शुरू किया गया था 1954 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्ड फेस अ वेरी पॉपुलर बुक इज रिटन बाय, नेक्ड फेस एक बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है एक अमेरिकन ऑथर है, अमेरिका के एक लेखक है, उन्होंने इस बुक को लिखा है और उनका नाम है सिडनी शेल्डन, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा। और उनकी ये पहली नोवेल थी, पहली नोवेल इसलिए एग्जाम में आपसे पूछी गई है कि फर्स्ट नोवेल थी सिडनी शेल्डन, ये अमेरिका के काफी प्रसिद्ध लेखक है, उनकी पहली नोवेल का नाम था द नेकेड फेस, ये आप देख सकते हैं इनका कवर पेज। ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर इज एट हाइट ऑफ अबाउट, वायुमंडल में ओजोन परत किस ऊंचाई पर स्थित है, ओजोन लेयर की बात करते हैं तो ओजोन लेयर स्थित है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर इससे पहले आता है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आता है मीजोस्फीयर, ठीक है, ये कुछ लेयर्स होती है एटमोसफियर की, फिर आगे आगे चलती जाती है आयनोस्फीयर। तो हमें स्टडी करनी है ओजोन लेयर की, जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है यहीं पे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है O3 लेयर, ओजोन लेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी होती है, 1 से लेकर 30 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है, और फिर ऊपर की जो ये हाइट होती है स्ट्रेटोस्फेयर तक की पूरी ये हाइट ये होती है 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक की। तो ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही मौजूद होती है, और ये कितनी हाइट पे होती है, 50 किलोमीटर की हाइट पे, ऑप्शन बी जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द कैपिटल ऑफ डेजर्ट कंट्री माली, माली एक देश है जिसकी राजधानी कौन सा शहर है, ये मैप के अंदर देखिए, ये माली एक रेगिस्तान कंट्री है। अब आपको बताना है इसकी कैपिटल कौन सी है, कैपिटल है बोमाको, बोमाको जो है वो किसकी कैपिटल है, माली की, आपको याद रखना है। यहाँ से कौन सी नदी बहती है, इस नदी का नाम भी आपको याद रखना है, दैट इज नाइजर रिवर, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सहारा डेजर्ट पूरे विश्व का सबसे जो है सूखा डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट आप कह सकते हैं, गर्म डेजर्ट वो है सहारा डेजर्ट, ये आप देख सकते हैं, इसकी लोकेशन भी आपको यही नजर आ रही है, साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है। आंसर हम टिक कर लेते हैं, आंसर होगा हमारा बमाको जो है वो राइट आंसर होगा। अब ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं आपके साथ, डेमेस्कस कैपिटल है सीरिया की, किसकी कैपिटल है, सीरिया की, और अंकारा कैपिटल है टर्की की, और अदरा जो है वो कोई कैपिटल नहीं है बल्कि वो इंडिया के जो पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है अदरा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, ये पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। यह स्थित है हाजीपुर के अंदर, हाजीपुर है बिहार के अंदर, ये आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे लोकेटेड है। WHO लॉन्च द वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक विद द थीम, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, और जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। तो WHO ने विश्व एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक का शुभारंभ किया है, उसका थीम क्या रखा है, इसका थीम रखा है एंटीबायोटिक हैंडल विद केयर, ये देखभाल के साथ संभाल भी, ठीक है।
और एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन इज कैरिड आउट यूजिंग, गैल्वेनीकरण किसकी सहायता से किया जाता है लोहे का, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछा है। लोहा क्या होता है, लोहे पे जंग लगता है, जंग लगना कहलाता है रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग किसकी वजह से लगता है, एक तो आपको आयरन चाहिए, लोहा चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए और आपको वाटर चाहिए। ये तीनों कंडीशन प्राइमरी कंडीशन होती है जंग लगने के लिए। अब जंग लगने से बचाने के लिए कोई भी वस्तु के ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है, इस प्रकार से कोटिंग होती है। उस कोटिंग के अंदर होता है जिंक, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको जंग लगने से बचाने के लिए ये कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। इसमें जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से जिंक की कोटिंग की जा रही है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिस्पॉन्स आर, घर्षण और सोने का कोण क्या है, आपसे पूछा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब जो घर्षण होता है दो सर्फेसिस के बीच में वो एंगल, और रिस्पॉन्स कि आपका जो बॉडी पार्ट हो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं, दैट इज इक्वल टू ईच अदर। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। जितना घर्षण होगा उसी के अकॉर्डिंग आप काम, आपका शरीर जो है वो आपके पैर काम करेंगे। मान लो जो सरफेस है वो बहुत स्लिपरी है, फिसलने वाला है, तो आप उस पर फिसल जाएंगे, आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, फिसलने वाला होगा। लेकिन सतह बहुत सही है, आप अच्छे से चल पा रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर होते, इक्वल होते हैं। वट इज ऑपरेशन फ्लड टू कंसर्न विद, ऑपरेशन फ्लड सेकेंड किससे संबंधित है, फ्लड जब वर्ड आ जाए ऑपरेशन में तो वो संबंधित है दूध की उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, मिल्क का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था वो था ऑपरेशन फ्लड। डेस्पोटिज्म इज पॉसिबल इन अ, तानाशाही कहाँ पे संभव है, तानाशाही वर्ड से आप समझ सकते हैं एक ही व्यक्ति जो है उसी का पूरे देश के ऊपर अधिकार हो, उसी का पावर हो, सिर्फ एक ही पार्टी अगर किसी देश के अंदर स्थित होती है और उसी का पूरे देश पे अधिकार होता है तो वो कहलाता है तानाशाही। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे हिटलर का एग्जाम्पल सबसे फेमस एग्जाम्पल है, नाजी पार्टी थी उनकी, तो हिटलर का एग्जाम्पल है कि आप इस चीज को समझ सकते हैं। जो बच्चे अभी लास्ट में जुड़े हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है कि पिनाकल की 1 रुपी योजना जो है वो काफ़ी कोर्सेज के लिए लॉन्च कर दी गई है, तो आप अगर इन कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में आप इनको परचेज कर सकते हैं। डेली 1 रुपी पे करके आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो आप इन गिवन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाके भी आप पूरी इंफॉर्मेशन या जो भी कोर्सेज आप लेना चाहते हैं उनको आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, यहाँ पे पूछा है ईस्टर्न कोस्ट का। तो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर जितने भी पोर्ट आते हैं उन सभी के नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक पोर्ट का नाम याद रखना है हल्दिया, कोलकाता पोर्ट, ठीक है, पारादीप, पारादीप, चेन्नई, चेन्नई, एनोर, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, हल्दिया, कोलकाता, पारादीप, चेन्नई, एनोर, और साथ में एक याद रखना है विशाखापट्टनम। ये जो आपको मैंने 6 नाम बताए हैं ये पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। आप देख लेते हैं पश्चिमी तट के, वेस्टर्न कोस्ट के बंदरगाह देख लेते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ 3 नाम याद रखने हैं। क्या क्या नाम याद रखने हैं, कांडला, मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट याद रखना है और मुंबई पोर्ट आपको याद रखना है। इसी में से आपका क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। अगला देखो, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद, कि प्रशांत रिंग की आग किसके साथ जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन से आप फायर वर्ड से आई थिंक आप थोड़ा सा इससे आइडिया लगा सकते हैं कि अभी अभी हमने देखा पैसिफिक के अंदर सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मैराइना, मैराइना ट्रेंच। मैंने आपको बताया वहां पे आसपास ज्वालामुखी बहुत ज्यादा फटती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड आती हैं, तो इसका संबंध है वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक से। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट आंसर लेंगे। फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ मुगल पीरियड वॉज, पहले भारतीय हिंदू मुगल काल के विद्वान थे, आपको ये बताना है इसके अंदर कि पहले हिंदी मुगल काल के विद्वान कौन थे, भारतीय जो थे, इसके लिए राइट आंसर होगा। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है पद्मावत, उसके ऊपर आपने मूवी भी देखी होगी, पद्मावत बहुत ही अच्छी मूवी है। तो ये जो है अवधी भाषा में लिखते थे, अवधी भाषा में लिखते थे, और इनका नाम है मलिक मोहम्मद जयसी जो है इनका नाम है।
अब देखो चंदबरदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इन्होंने किसकी रचना की है? पृथ्वीराज रासो की रचना की है, पृथ्वीराज रासो। और कौन सी लैंग्वेज के अंदर इन्होंने रचना की है उसकी, ये भी देख लेते हैं। ब्रिज भाषा के अंदर, ब्रिज भाषा भाषा का इन्होंने यूज किया है। अब देखो एक ऑप्शन है अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम जो है वो 9 रत्न थे अकबर के, उनमें से एक रत्न में से शामिल था अब्दुल रहीम खाने खाना। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? उर्दू के अंदर ये लिखते थे। जंजीबार को क्या कहा जाता है? जंजीबार ये है क्या एक्चुअल में? दिस इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ स्पाइसिस। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। यह स्थित है तंजानिया के अंदर। और तंजानिया की कैपिटल क्या है जल्दी से मुझे बता दो? डोडोमा। कल के ही लेक्चर में हमने किया था, डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी है। तंजानिया के अंदर एक जगह स्थित है जिसका नाम है जंजीबर। जंजीबर क्या है? यहाँ पे बहुत सारे मसालों का उत्पादन होता है, बहुत सारे उद्योग यहाँ पे है। इनफैक्ट हर एक मसाले का उत्पादन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए इसे कहा जाता है मसालों की भूमि, दैट इज लैंड ऑफ स्पाइसेस। Which one of the following is the most appropriate reason for inequalities in income? कि आय में असमानता का सबसे अधिक उपयुक्त कारण क्या है? या आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि इनइक्वालिटीज क्यों होती है इतने लोगों में, कि आप 9 to 5 जॉब जो होती है, एक पर्सन भी वही करता है, दूसरा पर्सन भी वही करता है। एक की सैलरी मुश्किल से 2 या 3 हज़ार होती है, एक पर्सन की सैलरी 40,000 से लेके 1 लाख तक होती है। इतनी इनइक्वालिटीज क्यों है? वर्किंग आवर्स आपके सेम है, 10 घंटे आपको भी काम करना पड़ता है, 10 घंटे अगले इंसान को भी काम करना पड़ता है, लेकिन उनकी आय में इतनी असमानता की। वैसे तो काफी रीजन होते हैं, ठीक है, एक माइंड का लेवल भी होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है वो होता है अवसरों की कमी, दैट इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये इसके लिए सही जवाब होगा। Which of the following American president was a famous TV or film actor before elected as president? कि अमेरिका के निम्न में से कौन से राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले प्रसिद्ध टीवी और फिल्म अभिनेता थे? कि आप इनकी फोटो देखिए और आप मुझे बताइए, ये आपके लिए छोटा सा हिंट है। ये जो है अमेरिका के 40th नंबर के प्रेसिडेंट हैं, 40वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। इनका कार्यकाल रहा है 1981 से लेके 1989 तक, ठीक है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या होगा? इसका नाम है गेराल्ड फोर्ड। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, गेराल्ड फोर्ड जो है वो राइट आंसर है। सॉरी, रोनाल्ड रोगन है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। इसका राइट आंसर होगा आपका रोनाल्ड रोगन जो है वो सही आंसर होगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? इनका सही आंसर क्या होगा? ब्लड ग्रुप्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है। तो बेसिकली इसे कहा जाता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इसे कहा जाता है। इसकी खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, लैंड स्टीनर। आपको ये वर्ड याद रखना है यहाँ पे। वट इज द सेंटर ऑफ रोमन बिजनेस ड्यूरिंग संगम एज? संगम आयु के दौरान रोमन व्यवसाय का केंद्र क्या था? संगम एज वो एज है, ये है थी 6th सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी तक की जो एज थी वो थी हमारी संगम एज। इस एज के अंदर जो तमिलनाडु और केरल वाला राज्य है वहाँ पे बहुत सारे पोएट, लेखक, कवि, उनकी वहाँ पे सभा लगती थी, उनका उद्गम इस काल के अंदर देखा गया है। इसमें पूछा गया है कि रोमन व्यवसाय का केंद्र था वो था अरिका मेडू, ये स्थित है पौंडीचेरी के अंदर। कहाँ पे स्थित है? पौंडीचेरी के अंदर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता था। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा आपके लिए। इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय? भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इंश्योरेंस सेक्टर जो है भारत का रेगुलेट किया जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज IRDA। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, और RBI की एस्टेब्लिशमेंट होती है 1935 के अंदर। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? अगेन इट इज लोकेटेड इन मुंबई एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1988। ठीक है, ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी? निम्न नदियों में से कौन सी भारतीय क्षेत्र में से उत्पन्न नहीं होती है, उस नदी का नाम आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा घग्गर।
गोदावरी रिवर जो है इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के अंदर से निकलती है और इसे क्या नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा। और ये फिर आंध्र प्रदेश से फ्लो होके ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। झेलम नदी जो है इसका पुराना नाम था हिडेप्सिस। इसका उद्गम स्थान देखा गया वायनाड से, जो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। रावी नदी का उद्गम स्थान है चंबा से, और चंबा कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। लेकिन जो घग्गर नदी है वो पाकिस्तान से होकर भी बहती है, पाकिस्तान से आके फिर भारत में आती है और भारत के राज्यों में फ्लो करती है। तो घग्गर जो है वो पूरी तरीके से भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती है। ये आप मैप में आप देख सकते हैं, इसको मैप में आई थिंक इट्स नॉट मेंशन हियर। विच स्टेट इज फेमस फॉर स्टेप वेल्स? कि चरण कुओं के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो चरण कुओं के लिए जो राज्य फेमस है वो है महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। गुजरात राज्य जो है वहाँ पे चरण कुओं के बहुत ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है उसके लिए। शहाद्री इज द नेम ऑफ, शहाद्री किसका नाम है ये आपको बताना है। इनमें से कौन सी रेंज का नाम है? शहाद्री वर्ड हमेशा यूज होता है, वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है शहाद्री वर्ड। वेस्टर्न घाट स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों के पास में, और ये भारत के 6 राज्यों से होके गुजरता है, 6 स्टेट्स, जिनके नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। नाम मैं आपको याद करवा देती हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात, मेरे साथ साथ आप लिखते जाओ, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये 6 राज्यों से होकर वेस्टर्न घाट गुजरता है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी। क्या नाम है? अनाईमुदी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन शहनाई प्लेयर? पहली भारतीय महिला शहनाई वादक कौन थी? मेल का तो आई थिंक आपको पता होगा बिस्मिल्ला खान, लेकिन फीमेल का नहीं पता होगा, वो थी भाग्यश्वरी गमा गामा। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा इसका। ये देखिए इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। डार्विन फिंचेस रिफर टू अ ग्रुप ऑफ, डार्विन फिंचेस एक समूह को संदर्भित करता है, कौन से समूह को? डार्विन की जो फिंचेस थी, डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिए थे इवोल्यूशन के, ठीक है, और उनकी फिंचेस जो थी वो पक्षी थी। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। कौन से आइलैंड पे उन्होंने इनको छोड़ा था? गैलापागोस आइलैंड के ऊपर, गैलापागोस आइलैंड के ऊपर। और इससे कौन सा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का, नेचुरल सिलेक्शन। ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। ये देखिए डार्विन फिंचेस आप देख सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि हम सभी जो है एक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में सिर्फ वही लोग रह पाते हैं जो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि नेचर जिन लोगों को चूज करता है वही नेचर, वही लोग जो है नेचर में रह पाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ठंड, हम जो सियाचिन चले जाएं, वहाँ पे इतनी ठंड होती है कि अपने हम अपने आप को ढाल नहीं सकते, ठीक है। जो लोग पहाड़ियों में रहते हैं, ठंडे एरियाज में रहते हैं, वो जो है इंडिया की गर्मी को आई थिंक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो यही कुछ आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा नॉल और रस्का। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की गई थी, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। वट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक इट सुटेबल फॉर क्रॉपिंग? किस प्रकार की मिट्टी को फसलों के लिए उपयुक्त बनाने में इसे जिप्सम मिलाया जाता है? जिप्सम क्या होता है? जैसे हमारे स्कूल्स में बोर्ड बने होते थे, चौक आप जो देखते थे, इन सभी के अंदर जिप्सम होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, ठीक है। जब आप इसको हीट कर दोगे, गर्म कर दोगे, तो आपको यहाँ से मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2 H2O, ठीक है। आधा पानी यहाँ से निकल जाता है, 1/2 H2O यहाँ पे बच जाता है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्या कर देता है? ये रिएक्ट करता है क्षारीय अल्कलाइन के साथ। तो विच काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विद, तो जो अल्कलाइन सॉइल होगी, बेसिक सॉइल होगी, उसको जब जिप्सम मिलाएंगे तो क्रॉपिंग के लिए उपयुक्त हो जाती है। अ सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीजन। एंटीजन क्या होता है कि ऐसा कोई एक फॉरन सब्सटेंस जो बाहर से आपके शरीर में आता है, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, जैसे ही वो आपके शरीर के अंदर आता है तो ये कहलाता है एंटीजन, ठीक है।
अब ये आपके शरीर के अंदर यहाँ पे प्रवेश कर गया है, ये आपकी बॉडी है। यहाँ पे कुछ सेल्स एक्टिवेट होती हैं, इस प्रकार की कुछ सेल्स यहाँ पे बनी होती है। ये किसके लिए बनी होती है कि बाहर से कोई मेहमान आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगी, इस वजह से ये वहाँ मौजूद होती हैं। अब ये क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, इसे पता है कि ये हमारे शरीर में बीमारी करने वाला है, तो ये सेल्स क्या करती हैं, ये इसको कैप्चर कर लेती है, यहाँ पे ये इसको दबा लेती हैं, बाइंडिंग कर लेती हैं और बाद में इसको ख़त्म कर देती हैं, इसका मर्डर कर देती हैं। और जो बाहर से एंटीजन आया था, वायरस था, बैक्टीरिया था, वो ख़त्म हो जाता है और हमारा शरीर जो है बीमारियों से बच जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये कौन सी सेल्स के द्वारा, WBC हमारे शरीर की फाइटर सेल्स होती हैं, लड़ाकू सेल्स होती हैं, ये रिलीज करती है बी सेल्स, और बी सेल्स रिलीज करता है एंटीबॉडीज। समझ में आया एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडीज क्या होता है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्ट्रोजन क्या है, इस्ट्रोजन जो है वो एक फीमेल हार्मोन है। इस्ट्रोजन क्या है, इट इज अ फीमेल हार्मोन। और एंड्रोजन जो है वो एक मेल सेक्स हार्मोन है, और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है। इसके साथ आप याद रख सकते हैं प्रोजेस्टिरोन भी, प्रोजेस्टिरोन भी एक फीमेल सेक्स हार्मोन है जो फीमेल की बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, विकास के अंदर हमारे शरीर के मदद करता है। कार्सिनोजन होते हैं कैंसर को कोज करने वाले कारक, ऐसे कारक जो कैंसर बनाते हैं उन्हें कहते हैं कार्सिनोजन। ठीक है, क्लियर है सारे टर्म्स। आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प, दीपक के साथ लेडी के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको तस्वीर में दिखा देती हूँ, आपने शायद देखा हो, इन्हें जानते हो आप, आपने कहीं देखा होगा मार्केट वगैरह में, तो शायद आप बता सकते हैं। इनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को कहा जाता था फ्लोरेसेंस नाइटेंगल, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं तो ये दोनों ही राइट आंसर होंगे। सरोजनी नायडू जो है उन्हें कहा जाता था फ्लोरेंस नाइटेंगल, जिसका मतलब होता है दीपक के साथ लेडी। सरोजनी नायडू जो है वो कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट बनी थी पार्टी की। तो पहली महिला प्रेसिडेंट का नाम आपसे पूछा जाए पार्टी की, तो उनका नाम है सरोजनी नायडू। और कौन से सेशन के अंदर था ये, कलकत्ता सेशन के अंदर इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था कांग्रेस का। ये कुछ बातें इनके बारे में जो आपको याद रखना जरूरी है। प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है कब मनाया जाता है, 3 मई को। ऑप्शन बी देखो, 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि भारत रत्न इज डिजाइन लाइक द लीफ ऑफ, भारत रत्न को के पत्ते की तरह बनाया गया है, ये आप देखिए। इससे आप बिल्कुल आसानी से मुझे आंसर देख सकते हैं, आंसर होगा पीपल। पीपल के पत्तों का शेप आप यहाँ देख पा रहे हैं। भारत रत्न की शुरुआत की गई थी 1954 के अंदर, भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। अब जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना है इस वर्ष। 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंदर कोई भी मनी राशि, कोई भी आपको कैश या प्राइज आपको दिया नहीं जाता है, नो मनी, आपको सिर्फ एक ये मेडल यहाँ पे दिया जाता है। ये भारत का सर्वोच्च अवार्ड है, सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है भारत का। दूसरी बात, पहली बार 1954 में जब ये शुरू किया गया तो किन लोगों को भारत रत्न दिया गया था, उनके नाम देख लो। सी राज गोपालचारी को दिया गया था पहला, दूसरा दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और तीसरे व्यक्ति थे जिन्हें दिया गया था वो थे सीवी रमन, साइंटिस्ट। तो 1954 के अंदर इन तीन व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं 2019 के अंदर जिन तीन व्यक्तियों को यह मिला है, उनका नाम है प्रणब मुखर्जी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट। दूसरा उसके साथ नानाजी देशमुख, इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है, नानाजी देशमुख सोशल एक्टिविस्ट है, समाज सेवक हैं ये। और अगला है, आखिरी नाम वो है भूपेन हजारिका, ये हमने करंट अफेयर्स भी आपका यहाँ पे कवर करवा दिया है, 2019 की भी बात करनी है और 1954 की भी बात कर ली है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करने का वक्त हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अपना स्कोर बोर्ड भी आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, जो भी कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर बने आउट ऑफ 40। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ फॉर टुडे।